गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज 22 मई 2020 क्लास 8 सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.2। कल हमने एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए थे। आज हम इसी एक्सरसाइज में मिल क्या गया 3x इक्वल है 30 माइनस 3 3x
आंसर है उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कि वेरीफाई करने पर वेरीफाई कैसे किया कि x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9, तो x में 1 ऐड किया तो होगा 10, फिर ऐड किया 2 तो कितना होगा 11, इनको ऐड कर दो 30 आना चाहिए। यदि आपका ये सेम है तो आपका आंसर भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, दी पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स साइड। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये क्या दिया गया है, आपका गिवन क्या है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल मींस होता है कि इक्विलेटरल यानी समान, बराबर। कौन सी ट्रायंगल? एक ऐसी ट्रायंगल दी गई है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 साइड। तो मींस क्या है कि जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। दी पैरामीटर, पैरामीटर यानी उसका परिमाण, उसकी सभी भुजाओं पर जो लेंथ है उनको ऐड करने पर जो आता है उसको उसका पैरामीटर कहते हैं। मैं यहां से आपको फिगर से समझा रहा हूं, देखिए ए बी सी, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी बी सी और ए सी इक्वल दिए गए हैं। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें ए बी बी सी और ए सी इक्वल दिए गए हैं। हम लेते चले यदि ए बी 5 है तो मींस बी सी और ए सी भी 5 होंगे, और इसका पैरामीटर क्या होगा, 5 + 5 + 5 यानी 15। ये होता है पैरामीटर। तो यहां से भी पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया कि ये मान लिया कि उसकी वन साइड से आपने मान लो x है, उसकी वन साइड x है तो 3 साइड्स क्या हो गई, x x x। तो यहां से मैथ वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल,